भारत के कुछ ऐसे स्टेशन जहाँ भूत रहते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका केयर बाय 33 में। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाए। आज भी बात जब भूतों की चलती है तो लोग डर जाते हैं। ये विषय ही कुछ ऐसा है कि हर इंसान एक बार घबरा ही जाता है। इसलिए आज हम आपको भारत में कुछ ऐसी जगह के बारे में बताएंगे जहाँ ये माना जाता है कि भूत रहते हैं। पहला, बरक स्टेशन, जो कि शिमला में है। ये एक टनल है जिसे टनल 33 के नाम से भी जाना जाता है। ये माना जाता है कि इस टनल में कर्नल बरक की आत्मा का वास है, क्योंकि यहाँ कई बार कुछ अजीब घटनाएं देखने को मिली है। कर्नल बरक ने इस टनल के सामने आत्महत्या कर ली थी, जिसका कारण मजदूरों के द्वारा बेइज्जती करना माना जाता है। स्थानीय लोगों का यह मानना है कि इस टनल में आज भी चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। दूसरा, रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन, जो कि कोलकाता में है। यह मेट्रो स्टेशन भी भूतों के साये से अछूता नहीं है, इसलिए स्टेशन पर अभी तक कई लोगों ने आत्महत्या कर चुके हैं। ये बात तो यहाँ के स्टाफ ने भी मानी है कि 10:30 के बाद ट्रेन की पटरी पर कई बार साया देखा गया है। यहाँ पर कई बार खौफनाक आवाजें भी सुनने को मिलती है। तीसरा, द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन, जो कि नई दिल्ली स्टेशन में है। यहाँ पर एक पीपल का पेड़ है, जहाँ यह माना जाता है कि यहाँ पर भूतों का वास है। इसी वजह से यहाँ पर भगवान की तस्वीरें भी लगाई गई है। कई बार एक साया भी देखा गया है जो लोगों से लिफ्ट मांगता है। चौथा, बेगुन कोदौर रेलवे स्टेशन, जो कि पश्चिम बंगाल में है। यह स्टेशन सबसे खतरनाक स्टेशनों में से एक है। इस स्टेशन को भूतिया पुड़िया स्टेशन भी कहा जाता है। इसी वजह से आज तक यहाँ रेल सेवा नहीं पहुंची है। इस स्टेशन पर 42 साल से कोई ट्रेन नहीं पहुंची थी। यह स्टेशन पुरिया स्टेशन से 50 किलोमीटर दूर है। अभी कुछ साल पहले 2009 में इस स्टेशन को ममता बनर्जी की सरकार ने चालू करवाया था। इसी स्टेशन पर रांची हटिया एक्सप्रेस रुकती है। पांचवा, एमजी रोड मेट्रो स्टेशन, जो कि गुड़गांव में है। दिल्ली से सटे इस मेट्रो स्टेशन पर रात को कई बार अजीब आवाजें आती है। यहाँ पर यह कहानी बताई जाती है कि एक बूढ़ी औरत का साया दिखाई देता है, जो ट्रेन के पास आकर चिल्लाती है। स्टेशन के बंद होने के बाद भी यहाँ पर आवाजें आती है।